जांजगीर जिला के प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल कल गुरुवार को जिला के प्रवास पर रहे। वे इस दौरान जांजगीर एवं अकलतरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक कर संगठनात्मक चर्चा की, जिसके बाद वे पामगढ़ के स्थानीय रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से सामूहिक रूप से चर्चा की। इस बात पामगढ़ के कार्यकर्ता एवं सभी दावेदारों से बंद कमरे में एक एक कर मुलाकात की और सभी की बात सुने। प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल सभी दावेदारों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे, तभी कुछ स्थानीय दावेदारों ने विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी की मांग की। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने सभी स्थानीय दावेदारों से बंद कमरे में चर्चा किए। मिली जानकारी के अनुसार सभी स्थानीय दावेदारों ने एक मत होकर प्रभारी मंत्री से कहा कि स्थानीय दावेदार को ही टिकट दी जाए, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में बाहरी प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट दी है, जिससे कांग्रेस को हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। यहां से स्थानीय प्रत्याशी ही चुनाव जीतेंगे और उन्हें ही जिताएंगे, जिस पर प्रभारी मंत्री ने उनकी बात को पार्टी के आला अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। राजस्व मंत्री ने पामगढ़ में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, ब्लॉक में जितने भी आवेदन दावेदारों से मिले हैं वह सब पीसीसी को भेजे जाएंगे। प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तर से 5 नाम भेजे जाएंगे, वहीं जिला कांग्रेस के द्वारा विधानसभा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 3 नाम भेजा जाएगा, फिर चुनाव समिति उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में विचार विमर्श के बाद प्रत्याशी का नाम फाइनल की जाएगी। आगे प्रभारी मंत्री ने कहा, विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित लग रहे हैं, काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने टिकट के दावेदारों की भी सूची जमा की है। हमारी सरकार ने 5 साल में इतना काम कर दिखाया है जिससे पूरे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 15 साल की भाजपा सरकार में जितना काम नहीं हुआ उससे भी ज्यादा 5 साल में हमारे कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के नए प्रत्याशी कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इस पर प्रभारी मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, भाजपा के प्रत्याशी नए हों या पुराने, पामगढ़ पर तीसरे नंबर पर ही पहुंचेंगे। तीनों विधानसभा में काफी लोगों ने दावेदारी भी की है, व्यक्तिगत भेंट भी की है और काफी कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जितने भी दावेदार हैं या कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, सभी में काफी उत्साह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीते और कांग्रेस की सरकार बने। पिछले 5 साल में जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश में काम किया है उसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है कि इतना डेवलपमेंट पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम नहीं किए, उससे ज़्यादा काम इस 5 साल की सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चाहे नया हो चाहे पुराना हो, पामगढ़ विधानसभा में 3rd नंबर पर रहे। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़